आजकल लोग जो मिठाई है वो बहुत कम खाते हैं, खाने के बाद में डेजर्ट जो है वो बहुत थोड़ा सा खाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि कुछ ऐसी चीज़ बनाई जाए जो अलग हो, बढ़िया हो और थोड़े से भी खाने में मज़ा आ जाए। तो ये जो है मेरे पास यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, देखिए इन्हें मिक्स करना है मुझे। ये मेरे पास है दही, दही का चक्का, दही जिसमें से पानी निकला हुआ हो, तो दही लेकर अच्छी गाढ़ी दही, और उसके बाद उसे मस्टिन क्लॉथ में फ्रिज के अंदर हैंग करके रखें करीब 1 घंटे तक, ताकि उसका जो पानी है वो निकल जाए। अच्छा, वो जो पानी है उसे फेंके नहीं, क्योंकि जब कढ़ी बनाएं आप तो दही को उस पानी से आप पतला करें, बहुत बढ़िया बनेगा। अच्छा, ये दही की तो बात हो गई, लेकिन इसमें हम डालेंगे ये भी आम, उसके साथ साथ केसर, इसे जरा मिक्स करते हैं। और अब इसके अंदर ये दही, दही का चक्का, और अब इसके अंदर हम डाल देते हैं पिसी हुई चीनी, और अब इसके अंदर क्रीम, इन सब चीजों को मिक्स कर लेते हैं। और इसके साथ इसमें डालते हैं थोड़ा सा इलायची पाउडर, ये तैयार हो गया, इसे निकाल लेते हैं। ये जो हमारे पास हैं छोटे ग्लासेस, इसके अंदर ये लीजिए, ये रसगुल्ला। अब ये जो हमने बनाया है, इसको डालते हैं, ये जो छोटे ग्लासेस हैं इसे आप फ्लैट कर लें, इसे थोड़ा सा गार्निश कर लेते हैं, और गार्निश में बस पिस्ता कटा हुआ। और इसे ऐसे नहीं खाना है, इसे खाएं चिल करके, ठंडा करें करीब 1 घंटे तक, और उसके बाद इसको इसी तरह से परोसें। नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स, उसके बाद इसका रीकैप। रसगुल्ला आम्रखंड के लिए हमें चाहिए 20 छोटे रसगुल्ले, 1 आम छोटे टुकड़ों में कटा हुआ, थोड़ा सा केसर, 2 कप दही का चक्का, 3/4 कप चीनी, 3 बड़े चम्मच फ्रेश क्रीम, 1/2 छोटा चम्मच हरी इलायची पाउडर, और 4 पिस्ते उबले हुए और स्लाइस किए हुए। इसे बनाने के लिए एक मिक्सी में आम, केसर, दही, चीनी और क्रीम डालकर मिक्स करें। इसके साथ इसमें हरी इलायची पाउडर डालकर मिला दें। इसे सर्व करने के लिए छोटे ग्लासेस में छोटे रसगुल्ले डालें, ऊपर से तैयार आम्रखंड डालें, और इसे पिस्ते से सजा कर रेफ्रिजरेटर में सेट होने के लिए रखें और सर्व करें।